हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स। ठीक है, इस पॉलीनोमियल को करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 पॉलीनोमियल्स। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर स्टार्ट है पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ा जाएगा, हम अब नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स, कि कॉन्स्टेंट होता क्या है। ठीक है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट वो हुआ जैसे सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, कि जो कोई सिंबल होगा उसकी क्या होगी, एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, मैं लिख दूंगा यहाँ पर सिंबल्स हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, कि सिंबल की कोई ना कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 2, ठीक है, तो इसकी एक फिक्स न्यूमेरिकल है 6। अब पाई हमारा क्या फिक्स है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या दी होती है, गिवन 22/7 या फिर 3.14। तो ये क्या है, एक सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कॉन्स्टेंट वो है जिनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी। तो इतना लग गया पता। अब सेकंड है इसमें वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स कौन से हो हमारे, वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो वेरिएबल में क्या होगा, जो सिंबल होंगे उनकी डिफरेंट वैल्यूज होंगी इन डिफरेंट केसेस में। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, सिंबल्स हैविंग डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट केसेस। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज होंगी इन डिफरेंट केसेस। देख, जैसे मान लो एक्स कोमा वाई कोमा जेड अप टू सो ऑन कोई वैल्यूज हैं, तो उसमें क्या होगा, हर केस में क्या होगा, डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट केसेस। हर वैल्यू में कोई ना कोई डिफरेंट केस जरूर नजर आएगा। देखो, जैसे एक्स प्लस अगर मैं 2 लूंगा और इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 वहां जाएगा तो -2। ठीक है, उसी तरह से क्या करेंगे, मान लो मेरे पास है 4x=5। ठीक है, 4x=5 है, तो x यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, 5/4, क्योंकि 4 मैंने इस तरफ भेजा तो डिवाइड में चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। तो अभी मैंने ये बात क्लियर की कि सिंबल्स हैविंग डिफरेंट वैल्यूज, कि सिंबल की डिफरेंट वैल्यूज होंगी इन डिफरेंट केसेस। डिफरेंट डिफरेंट केसेस पे हर वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। देखो, एक्स प्लस 2 था तो क्या हो गया, एक्स इक्वल टू -2। अगर यहाँ होता एक्स -2 तो वहाँ जाके एक्स इक्वल टू 2 बन जाता। अब यहाँ पर है 4x=5, तो क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 5/4, क्योंकि 4 मैंने उस तरफ शिफ्ट कर दिया और 5 एज इट इज रह गया। ठीक है, अगला इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी में हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर 3। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या आएगा, इसमें क्या होगा, कंबिनेशन होगा किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, मतलब इसका भी और इसका भी, इस कांस्टेंट्स का भी और इस वेरिएबल का भी क्या होगा, कंबिनेशन। इट इज अ कंबिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। इसमें दोनों होगा, कॉन्स्टेंट का भी और वेरिएबल का भी, जो क्या होंगे, कनेक्टेड बाय, जिनको हम किससे कनेक्ट करेंगे, प्लस के साथ, माइनस के साथ, डिवाइड के साथ और मल्टीप्लाई के साथ। किसके साथ करेंगे, प्लस के साथ, माइनस के साथ, डिवाइड के साथ या फिर मल्टीप्लाई के साथ। ठीक है, देखो कांस्टेंट भी मिक्स होगा, वेरिएबल भी मिक्स होगा। वो कैसे होगा, देखो अगर मैं लूँ
प्लस एक्स, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, 2 प्लस x, तो इसमें एक कॉन्स्टेंट है एक वेरिएबल है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा लेंगे तो इसको मान लो 2x² + 10x। अब ये भी क्या है, 2 प्लस x और 2x² + 10x, ये कॉन्स्टेंट टर्म, ये वेरिएबल, कॉन्स्टेंट वेरिएबल। अब इसके आगे अगर मैं क्या करूँ, ये एक क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है और एक वेरिएबल टर्म है, यहाँ पर दोनों मिक्स हैं, कॉन्स्टेंट भी है वेरिएबल भी है, ठीक है। इसमें क्या था कि एक कॉन्स्टेंट था एक वेरिएबल था, यहाँ पर कॉन्स्टेंट भी है और मिक्स करके वेरिएबल दोनों दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे हम इसका पॉलिनोमियल, कि जो चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल वो है क्या। नंबर 4, पॉलिनोमियल। अब चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल को भी हम जानेंगे कि होता क्या है। पॉलिनोमियल में क्या होगा कि इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर आएगा, ठीक है, लेकिन वो होगा नॉन नेगेटिव, इंटीग्रल पावर ऑफ वेरिएबल, कि इसकी जो पावर होगी, जो इंटीग्रल पावर होगी, वो क्या होगी, माइनस की नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। जैसे इसका लिख दूंगा मैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद नॉन नेगेटिव, विद नॉन नेगेटिव इंटेग्रल, इंटेग्रल पावर ऑफ वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स की पावर क्या है, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, वो पॉजिटिव पॉजिटिव होनी चाहिए, ना कि नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पर 3x मैंने लिया और इसकी पावर मैंने कर दी 2, ठीक है, 3x की पावर में कर दिया मैंने -2 और प्लस के साथ लिख दिया मैंने 4, तो ये क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर है, लेकिन ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। हम क्या लिख देंगे, इट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट नॉट अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें -2 यहाँ पर मेरा पावर में आ गया, जबकि हमने बात की कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, इसकी पावर नॉन नेगेटिव आएगी। अब इसी इसी एग्जांपल को लूंगा मैं, अब मैंने लिखा 3x² + 4, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। हम इसको क्या लिख देंगे, क्योंकि देखो यहाँ माइनस नहीं आया ना, क्या लिख देंगे, इट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे करते हैं, अब देखो अगर मान लो यहां पर आ जाता मेरे पास अंडर रूट टू को मैं बाद में लूंगा, देखो अंडर रूट एक्स लेते हैं और साथ में 5 लेते हैं। अब अंडर रूट एक्स प्लस 5 ये भी क्या है, एक नॉन नॉट पॉल या फिर नॉन पॉलिनोमियल है, ये भी क्या पॉलिनोमियल नहीं है। हम इसको भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि देखो एक्स की पावर में क्या है, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं, अगर मैं इस अंडर रूट को हटा दूं, तो अंडर रूट हटा के मेरा क्या आएगा, एक्स की पावर आएगी 1/2, तो 1/2 क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, लेकिन ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और साथ में वेरिएबल है, तो वेरिएबल की टर्म 1/2 करने के बाद भी वो हमारा वो पॉलिनोमियल काउंट नहीं होगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मान लो यही एग्जांपल मैं लेता हूँ दोबारा से, नेक्स्ट पेज में करते हैं। अब मैंने एग्जांपल सेम लिया, लेकिन क्या किया, अंडर रूट एक्स के प्लेस में रख दिया मैंने अंडर रूट टू और प्लस एक्स को मैंने अब बाहर कर दिया। अब इसमें क्या है, जो कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे हम कि ये इट इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, इट इज कॉन्स्टेंट एट 2 की पावर 1/2, ठीक है। कॉन्स्टेंट की पावर कुछ भी हो सकती है, कॉन्स्टेंट की पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस एक्स की पावर में 1/2 आ गया तो समझ लेना कि वो एक पॉलिनोमियल नहीं है।
अब देखो जैसे एग्जाम्पल लूंगा मैं, मान लो 3 अपॉन x रेज टू पावर 5 प्लस 10 दिए, ठीक है। ये एक क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, अब मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा, 3x, इस x को जब मैंने ऊपर भेजा तो -5 आ गया प्लस 10, तो इसके बाद ये क्या बन गया, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम डिग्री की, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, क्वेश्चन नंबर 5, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ, जिस भी वेरिएबल की पावर जो है हाईएस्ट होगी उसको हम बोल देंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखो हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स, मान लो 3x रेज टू पावर 7 है प्लस 3x रेज टू पावर 8 है प्लस में 9 है, ठीक है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। लेकिन इसमें क्या दिया है कि 3x की पावर में 7 प्लस 3x रेज टू पावर 8 प्लस 9, ठीक है। अब इसमें बताया जाए, पूछा जाएगा कि हाईएस्ट डिग्री किसकी है, तो हाईएस्ट डिग्री इसमें किसकी है, इसकी x की पावर में 8, तो हमें सिंपल क्या पूछा जाएगा कि इसकी डिग्री बताओ, तो डिग्री क्या आ जाएगी, डिग्री आ गई इक्वल टू, डायरेक्ट लिखेंगे हम इस 8 को, डिग्री आ गई 8, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन होता कि 5x प्लस 7y, अगर होता 5x प्लस 7y, तो 5x प्लस 7y में देखो यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये x अलग हो गया y अलग हो गया, तो इसकी हम डिग्री नहीं लिख सकते, ठीक है। चलो अब ये था बेसिक, अब करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज इसकी 2.1, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच इज नॉट, ठीक है, स्टेट वेदर स्टेट रीजन ऑफ योर आंसर, हमें रीजन बताना है कि ये क्यों है, क्यों वन वेरिएबल में है, या सॉरी वन पॉलिनोमियल्स आर इन वन वेरिएबल और इन नॉट इन वन वेरिएबल, बस ये बताना है इसमें। तो 4x³ - 3x+7, अब इसको देखें तो 4x³ - 3x+7, यहाँ पर माइनस नहीं है, माइनस की पावर, हमने क्या बोला था कि पॉलिनोमियल क्या हो कब होगा, जब हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ वेरिएबल में आएगा, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरा नॉन नेगेटिव है, तो इसको क्या लिख देंगे हम कि ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब सेकंड आ जाता है कि y² + √2, अब y² + √2 में क्या है, इसकी पावर में भी क्या है, कोई माइनस का साइन नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये भी पॉलिनोमियल है। हमें पता किससे चलता है, सिर्फ इस आगे वाली टर्म से, जो x की पावर होगी, y की पावर होगी या z की पावर होगी, सॉरी वेरिएबल से। अब अगले 3√t + t√2, अब मैं इसको अगर खोल भी दूं तो 3t की पावर 1/2 आएगा, 2t की पावर 1/2 आएगा, जो कि एक नॉट पॉलिनोमियल काइंड काउंट होगा, ठीक है, तो ये हो गया नॉट पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट है इसी तरह y+2/y, अब इसको कैसे करेंगे, y मैंने ऐसे रखा, अब 2 के साथ मैं इस y को ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो ये -1 आ गया, ठीक है, तो ये भी क्या बन गया, देखो y की पावर -1 आया, इसका मतलब क्या है, ये नॉट पॉलिनोमियल, ये भी नॉट पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। लास्ट बचा कि x^10 y^3 t^50, अब देखो यहां पर भी क्या है, ये पॉलिनोमियल है, अब ये पॉलिनोमियल तो है, ठीक है, पॉलिनोमियल है बट नॉट इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में ये नहीं है, बट क्या लिख देंगे, बट नॉट इन वन वेरिएबल,
देखो इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स और वाई दो वेरिएबल आए, जिसमें इसकी पावर 10 है और इसकी पावर 3 है, टी के साथ 50 है, तीन वेरिएबल आ गए ना इसमें, एक्स वाई और टी, तो तीन वेरिएबल वेरिएबल आ गए। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये वन बट नॉट इन वन वेरिएबल, लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं है। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सॉरी सेकंड है, राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसमें सिर्फ इस एक्स स्क्वेयर के, इस एक्स स्क्वेयर के क्या बताने हैं, कोफिशियंट्स, ठीक है, इस एक्स स्क्वेयर के कोफिशियंट हमें बताने हैं। तो देखो टू फर्स्ट पार्ट दिया, टू प्लस एक्स स्क्वेयर, टू प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। अब इस टू प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स में जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट है वो कितना है, मैं इसके आगे अगर वन लिख दूं तो इसका कोफिशियंट कितना बन गया, तो हम क्या लिख देंगे, वन। तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वन, इतना क्लियर है, या फिर एक्स स्क्वेयर इज वन, इज लिखना, इक्वल टू नहीं, इज, कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज वन। अब सेकंड पार्ट है इसका कि टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब। अब बोला सिर्फ एक्स स्क्वेयर के क्वेश्चन में, तो एक्स स्क्वेयर क्या यहाँ भी क्या है, वन, लेकिन वन के साथ एक माइनस साइन भी है, वन के साथ एक माइनस साइन है, तो हम क्या लिख देंगे, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज, ये माइनस भी आएगा और साथ में इसके आगे जो वन लगा देंगे हम, वन भी आएगा। आपका क्वेश्चन सिर्फ क्या था, टू प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, और यहां पर क्या था, टू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है इसके, थर्ड पार्ट दिया पाई अपॉन टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ठीक है। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर मेरा पाई अपॉन टू है, क्या लिख देंगे, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज पाई बाय टू, लग गया पता। इसका फोर्थ पार्ट भी है आई थिंक, हाँ फोर्थ पार्ट भी है, तो फोर्थ पार्ट दिए इसका अंडर रूट टू एक्स माइनस वन, अंडर रूट टू एक्स माइनस वन। अब देखो एक्स स्क्वेयर यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज जीरो, क्या लिख सकते हैं, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज जीरो, ये क्वेश्चन लग गए पता। तो अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें बाइनोमियल और मोनोमियल बताना है, ठीक है। तो बाइनोमियल के लिए सबसे पहले लूंगा बाइनोमियल। अब बाइनोमियल में क्या होगा, बाइनोमियल में होगा दो टर्म्स, ठीक है, दो टर्म्स रखी जाएंगी, कितनी, बाइनोमियल में दो टर्म्स रखी जाएंगी, दो टर्म्स रखी जाएंगी, और इसमें इसकी जो पावर होगी हमारे पास दे रखी है 35, तो हम उसकी पावर लिख देंगे कितनी, 35। देखो जैसे अब कुछ भी ले सकते हो आप, मैं जैसे ले लूंगा एक्स प्लस वन लिया। अब बोला गया कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री की पावर जो है 35 है, तो इस एक्स की पावर में मैं 35 लिख दूंगा, ठीक है, एक्स की पावर 35, ये भी आंसर है। अब जरूरी नहीं है कि पीछे से मिलता हो, ठीक है, इसके बदले में आप क्या लिख सकते हो, वाई रेज टू पावर 35 प्लस टू भी लिख सकते हो, होने के चाहिए इसमें दो दो टर्म रखी जाएंगी जो मैंने रख दी, एक ये और एक ये। अब इसी में दिया हुआ है मोनोमियल का, तो मोनोमियल का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, मोनोमियल में होगा सिर्फ एक टर्म, सिर्फ एक टर्म ही रखी जाएगी, और उसकी हाईएस्ट जो पावर होगी, सिंगल टर्म रखी जाएगी और उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम लिख देंगे। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर हमारे पास 100 दे के रखी है, तो सिंगल टर्म बोली, तो सिंगल टर्म का मतलब मैं एक्स की पावर डायरेक्ट 100 लिख सकता हूँ, बस इतना लिख दिया, या फिर इसके बदले लिख दो वाई रेज टू पावर 100, या फिर लिख सकते हैं टू वाई रेज टू पावर 100, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, कि राइट डिग्रीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स है क्या,
ये था हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री काउंट होगी। करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट पार्ट है कि 5x³ + 4x² + 7x, तो इसकी डिग्री जो हाईएस्ट है वो कौन सी है, 5x³ में 3 है, तो हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट डिग्री इक्वल टू, डायरेक्ट हम लिखेंगे इस 3 को, इसकी डिग्री कितनी है 3। सेकंड पार्ट है 4 - y². अब यहाँ साफ क्लियर है कि y की पावर में 2 है, तो हम क्या लिख देंगे, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी 2। ठीक है, थर्ड पार्ट है 5t - √7। अब 5t - √7 हमारे पास दे के रखा हुआ है। अब 5t क्या है, एक इसमें जो डिग्री है 5t में, t की पावर में देखो अगर मैं लगा दूं तो 1 है। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या आ जाएगी, डिग्री इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब 3 है हमारे पास, तो इसकी डिग्री तो मेरे पास कुछ दिखाई नहीं दे रही, ना एक्स का वेरिएबल है ना वाई का वेरिएबल, तो हम क्या लिख देंगे इसको, डिग्री 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, कि क्लासीफाई करो कि लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, लीनियर है क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, क्वाड का मतलब हो जाएगा स्क्वेयर। ठीक है, क्वाड्रेटिक में हमें जो टर्म दिखाई देगी वो स्क्वेयर की दिखाई देगी। देखो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉली, क्वाड का क्यू बड़ा कर लेना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसी तरह से x - x³ देख रखा है। अब क्यूब से क्या हमें लग रहा है पता, कि क्यूबिक, कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब आ गया y + y² + 4, y + y² तो स्क्वेयर का मतलब भी क्या आ गया, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना। ठीक है, अब आ गया अगला 1 + x। 1 + x में ना तो क्यूब है ना तो स्क्वेयर है। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब आ गया 3t। अब 3t में देखो ना तो स्क्वेयर है ना क्यूब, तो ये भी क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। अब आर स्क्वेयर आया, तो आर स्क्वेयर में क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब 7x², 7x² में भी क्या आ गया, एक मिनट क्वेश्चन, सॉरी एक्स क्यूब है, 7x³, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा बन गया। तो ये थी एक्सरसाइज 2.1, चैप्टर नंबर 2, नाम है चैप्टर का पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की हमने एक एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर ली। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कंसेप्ट क्लियर हुए हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।